गुड मॉर्निंग एवरीवन, आज हम आए हैं स्क्रम 411 का रिव्यू के लिए। इसमें जो इंजन है वो सेम हिमालयन का है जो 411 सीसी का है और 24.3 न्यूटन मीटर्स ऑफ टॉर्क पे है। 6500 आरपीएम पीक परफॉर्मेंस है इसका। इसका जो इंजन है वो SOHC है जो सिंगल सिलेंडर पे है, मींस सिंगल ओवरहेड कैमशाफ्ट, माने कि एक ही कैमशाफ्ट जो है वो इनलेट एंड एग्जॉस्ट जो वॉल्व है वो ऑपरेट करता है। इंजन ट्यूनिंग जो है इसकी सेम है, ECU मैपिंग सेम है और साइलेंसर का जो फुल सिस्टम एग्जॉस्ट है वो भी इस गाड़ी में सेम ही मिलता है। इसके अलावा इसके जो व्हील्स हैं इसमें और हिमालयन में डिफरेंस ये है, हिमालयन में 21 इंच का आते हैं, इसमें जो है ये 19 इंच के हैं जो डिफरेंस आया है। उसके अलावा जो हेडस्टॉक यूनिट है हिमालयन का वो जो है फिक्स्ड यूनिट है, वो स्वेल नहीं करता। ये वाले यूनिट जो है ये स्वेल यूनिट है। इसके अलावा इसमें फ्रंट स्क्रीन जो है वो नहीं है, हेडलाइट का क्राउन जो है वो थोड़ा नीचे आया है और थोड़ा सामने की तरफ ये मूव फॉरवर्ड हुआ है। स्क्रम में एक और खास बात है, इसका जो हेडस्टॉक एंगल है और रियर सस्पेंशन सब फ्रेम जो है वो सेम है। ओनली डिफरेंस जो है ये स्प्रिंग का जो टेंशन और प्री लोड है उसमें ही सिर्फ फर्क है। सस्पेंशन थोड़ा स्टिफर साइड में है बट ऑफ रोडिंग और सिटी कम्यूट के लिए इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। फ्रंट सस्पेंशन जो है वो 10 mm शॉर्टर हुआ है हिमालयन से। हैंडल बार जो है वो 50 mm लोअर आया है और 20 mm टूवर्ड्स द राइडर है, तो जो राइडिंग ज्योमेट्री है वो थोड़ी चेंज हुई है। बाकी व्हील बेस थोड़ा शॉर्टर हुआ है, मीन्स डिस्टेंस बिटवीन द रियर व्हील एंड द फ्रंट व्हील उसी में थोड़ा सा चेंज है, बाकी डिफरेंस कुछ भी नहीं है। अगर हम बात करें कॉन्सोल की तो कॉन्सोल में जो है ट्रिपर नेविगेशन जो है ये ऑप्शनल है, ये आप अलग एसेसरीज के हिसाब से लगा सकते हो। अगर ये नहीं लगाए तो नीचे स्क्रम की बैजिंग दिखती है। इसके अलावा रिव काउंटर यूनिट जो है वो मिसिंग है, टेकोमीटर मिसिंग है और कंपास जो है मिसिंग है जो हिमालयन पे आता है। एक और मेजर डिफरेंस जो है इसमें स्विचेबल ABS जो है वो नहीं है, लेकिन आप उसका मॉड्यूल यहाँ से स्विच ऑफ कर सकते हो। सीट के नीचे से आप अगर फ्यूज वायर निकाल दो तो फ्रंट एंड रियर का दोनों का ही ABS आप स्विच ऑफ कर सकते हो। बात करें एसेसरीज के लिए तो इस पे जो है टैंक केज जो है वो मिसिंग है जो हिमालयन पे आता है, लेकिन आप इसको ऑप्शनल एसेसरीज के हिसाब से यहाँ पे लगा सकते हो। इसके अलावा जो रियर पे जो है जो अपना ग्रैब रेल है वो स्मॉलर हो गया है, हिमालयन पे जो है जो नया BS6 मॉडल है उस पर बड़ा आता है और उस पर टॉप रैक भी आप माउंट कर सकते हो, उसमें प्लेट लगा हुआ है। इसके अलावा जो सीट है वो 5 mm लोअर गई है, फोम डेंसिटी जो है इसकी बहुत ही अच्छी है जो लॉन्ग राइड्स के लिए आपको सपोर्ट करती है। इसके अलावा नीचे जो बैश प्लेट है इंजन को सेव करने के लिए वो सेम है हिमालयन जैसा, इसका वेट जो है वो 6.5 kg हिमालयन से लेस है। इसमें जो सेंटर स्टैंड है वो नहीं आता गाड़ी में, लेकिन आप उसे ऑप्शनल एसेसरीज के हिसाब से लगा सकते हो। इसमें टोटल जो है 7 कलर स्कीम्स आते हैं। बात करें इस गाड़ी के टायर्स के लिए तो टायर्स जो स्टॉक के लग के आते हैं वो C8 के हैं और C8 का जो कंपाउंड है वो काफ़ी अच्छा है और थोड़ा सॉफ्टर साइड में रहता है एज़ कम्पेयर टू MRF। और इसमें जो है फ्रंट पे जो है वो लगा हुआ है 190x19 इंच के और जो रियर पे है वो है 120x90x17 इंच पे। इस गाड़ी की माइलेज जो है अप्रॉक्सीमेट RI रेटिंग के हिसाब से जो है सिटी पे है 25-27 की और हाईवे पे जो है वो है 30-33। इसके अलावा ब्रेक्स का जो फ्रंट का बाइट है वो थोड़ा सा कम है। इसके अलावा जो है इसका लो एंड टॉर्क जो काफ़ी अच्छा है, क्योंकि SOCH इंजन होने के कारण उसका जो लो एंड टॉर्क है और मिड रेंज टॉर्क है वो काफ़ी अच्छा होता है। ओवरऑल हम ये कहना चाहेंगे कि ये जो बाइक है ये बहुत ही अच्छी बाइक है और वैल्यू फॉर मनी बाइक है।